दिल पाल चाहते कभी को भी कही सके जो जन पर भान ले लियो ताई मधुर फल जानो संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो भजन ध्यान जो आतिशबाजी भी शुरू हो गई है और आतिशबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है एक तरह से जिस तरह से दीपक जी ने कहा कि दीपमाला तो की जा रही है लेकिन दीपावली की तरह आतिशबाजी की तस्वीर जो हम एक बार फिर से और विशेषकर अगर हम कहें 22 तारीख काफी ज्यादा खास रहने वाली है हर एक भारतीय के लिए 14 वर्ष के वनवास के बाद जो गुरु श्री राम जो है वो अयोध्या लौटे तो दीपमाला कर दीपों को प्रज्वलित कर उनका भव्य स्वागत किया गया अयोध्या नगरी में। लेकिन एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और भव्यता पूरा भारत देख रहा है तो वहीं जम्मू में भी दीपमाला की जा रही है और जय श्री राम जो है दियों के माध्यम से लिखने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। दीपक जी कितनी खुशी हो रही है आप दीपमाला कर रहे हैं किस तरह से इस बार दिवाली मना रहे हैं? मैं समझता हूँ कि 500 वर्ष के बाद हमारे राम लल्ला जी अपने घर वापस आ रहे हैं। अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं समझता हूँ इस दिन का जो है पूरे देश के या पूरे विश्व के लोगों का इंतज़ार है, इस शुभ दिन का काफ़ी इंतज़ार है। और जिस तरह से 22 जनवरी नज़दीक आ रही है और उसके साथ साथ हम जिस तरह से 2 दिन पहले हमने अपने पूरे मेंबरों को इनविटेशन कार्ड दिए थे और तमाम जम्मू वासियों को इनविटेशन भेजा है हमारे परसों के प्रोग्राम का, और आज जो है हमने दीपमाला की है और बड़ा एक ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कार्यक्रम अयोध्या में तो हो रहा है, हो भी रहा है और हमारे जम्मू में भी हो रहा है और पूरा जम्मू वासी जो है इस समय जय श्री राम के लिए कोई लंगर लगा रहे हैं, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक छोटी सी दीपमाला जो है हमारे वेयर हाउस में की थी। हमारे साथ हमारे रोहित शास्त्री जी और यशपाल गुप्ता जी रिटेलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट और हमारे ऑफिस बिरर। मैं यही कहूँगा कि सब लोग जो है जम्मू वासी जो है इस बार महादीपावली के रूप में मनाएं और हर एक दुकानदार और जम्मू के लोग जो है 22 जनवरी के दिन जो है दीपमाला करें और अपनी दुकानें साफ करें जिस तरह हम दीपावली में करते हैं उसी तरह 22 जनवरी से पहले और पूरे जम्मू और हर एक घर में और हर एक दुकान में लाइटें और ऐसे जगमगाना चाहिए जैसे दीपावली से भी बड़ा पर्व जो है 22 जनवरी के लिए आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे जम्मू वासी हैं और आज हमने एक छोटी दीपावली के रूप में मनाई है और बड़ी खुशी का पल लग रहा है कि हम सब जो है इस समय अपने व्यापार छोड़ के श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं। श्री राम के मन मन में जो रोम रोम में झूम रहा है बड़ा एक ऐतिहासिक पल सा ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे यही कहूँगा कि आप सबका धन्यवाद आप यहाँ पर आए और यहाँ कवर करने के लिए और आप सब जो है 22 जनवरी के दिन आमंत्रित हैं। हमारा निमंत्रण है कि वेयर हाउस के अंदर एक लाइव प्रोग्राम होगा 20 फीट की लंबी स्क्रीन लगा के जो लोग राम भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो हमारी वेयर हाउस फेडरेशन में आके जो है हमारे साथ इस लाइव टेलीकास्ट को दे सकते हैं और श्री प्रभु राम जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भी शुरू हो गई है और आतिशबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है एक तरह से जिस तरह से दीपक जी ने कहा तो दीपमाला तो की जा रही है लेकिन दीपावली की तरह आतिशबाजी की तस्वीर जो हम एक बार फिर से और विशेषकर अगर हम कहें 22 तारीख काफी ज्यादा खास रहने वाली है हर एक भारतीय के लिए क्योंकि वो भव्यता दिखाई जाएगी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मान
सामने वाले तमाम भारतीय देखेंगे किस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो है वो आगमन हुआ। तस्वीरें हम आपको वेयर हाउस से दिखा रहे हैं, पूरा देश जो है इस समय राममय हो रहा है और वेयर हाउस में भी इसी तरह की तस्वीर है।